यस बोलो। सर, मैथ्स के लिए आप कोई रेफरेंस बुक सजेस्ट कर सकते हैं क्या? सर, कौन बोल रहा है आप में से? आप मानव। सर, हो कहाँ? आपको किसके लिए चाहिए? यू नीड फॉर व्हाट? यू नीड फॉर बोर्ड्स 11th क्लास? यू नीड फॉर आईआईटी मेंस? यू नीड फॉर एडवांस? जी यू कैन सी, दो बुक बहुत अच्छी है। एक यू कैन सी चेक अरिहंत, एंड यू कैन इवन टेक आर डी शर्मा। सिंगेज कैसी है? सिंगेज इज ऑल्सो गुड, यू कैन टेक सिंगेज ऑल्सो। मतलब अरिहंत सिंगेज एक ही है, मतलब आपको सिंगेज लेना तो सिंगेज ले लो, ठीक है ना? Is it fine? Okay. Manav, you got answer? यस सर, थैंक यू सर। Okay. You can take Singage. Aryan Singage में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है ना? चलो, okay. So let's begin. Now, today we will discuss with Just wait a minute. Okay, today we'll discuss with some identities of trigonometry. अब अपने लेफ्ट राइट में सब आइडेंटिटीज देख लोगे। ऑलरेडी दे आर रिटन, टुडे वी विल ट्राई टू डिस्कस देम। स्टूडेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ। आपका ग्राफ बचा है, बट आई विल कंप्लीट दैट आल्सो। आई थॉट कि फर्स्ट आई गुड इवनिंग कंप्लीट। सर। गुड इवनिंग। आई थॉट आई विल कंप्लीट दिस फर्स्ट। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मोस्टली विल डिस्कस फर्स्ट कॉस आइडेंटिटीज। दिस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। देखो, ऑलरेडी आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, राइट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, 10th क्लास में, राइट? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक्स स्क्वायर थीटा। दीज आइडेंटिटीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 10th। नाउ 11th में वी विल स्टडी सम मोर एडवांस्ड आइडेंटिटीज लाइक दीज फोर। What is these identities? Like cos A plus B. Cos A plus B, what? I have two angles, like cos A plus B. Similarly, I have cos A minus B. First, we'll discuss A plus B. See, cos A plus cos B is cos A cos B minus sin A sin B. आप तो जितनी भी identities देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में, यू कैन मेक मेनी आइडेंटिटीज, देयर इज नो एंड। हर एक क्वेश्चन कैन बी आइडेंटिटी, बट आई कंसिडर 50 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट विच वी कैन कंसिडर एज आइडेंटिटी। 50 क्वेश्चन। नाउ इफ यू केयरफुली सी, जो भी ये 50 आई है सब इसी एक से आई है। दिस इज द मास्टर ऑफ ऑल अदर आइडेंटिटीज। आई विल नॉट गो दैट हाउ ऑल केम विद दिस, बट आई विल जस्ट डू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस। See now, this is first identity. Cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Now, if I take minus, cos A minus B becomes cos A cos B plus sin A sin B. It reverse. So, cos A plus B becomes cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B becomes cos A cos B plus sin A sin B. Sin उल्टा हो जाता है. Plus के साथ minus आ जाता है, minus के साथ plus. अब देखो, इस identity का फायदा क्या है? देखो, cos 15, cos 75, दीज वैल्यूज हाउ आई कैन कैलकुलेट। अब देखो, cos 15 की वैल्यू आई कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली, आई डोंट नो, बट आई कैन कैलकुलेट लाइक दिस। cos 45 माइनस 30, cos 45 माइनस 30। सिमिलरली cos 75 हाउ आई कैन कैलकुलेट? cos 45 प्लस 30।
like this I can do. Suppose I want to calculate cos 50. So क्या करूंगा मैं, I will apply cos 45 minus 30. क्या है cos A minus B? क्या हो जाएगा cos A cos B plus sin A sin B. यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? How many are understanding के लिए? All of you are able to understand? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ठीक है, अब देखो ये मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं. cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by. तो root 3 by 2 root 2, sin 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2. क्या हो जाएगा? Plus 1 by 2 root. फाइनल आंसर आ गया रूट थ्री प्लस वन बाय टू. देखो ये आ गया. अब देखो ये भी एक चीज है. अब देखो इसको रैशनलाइज कर दिया, टू रूट टू बाय टू रूट टू, सॉरी रूट टू इंटू रूट टू डिवाइड. मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ. क्या आ जाएगा? रूट सिक्स प्लस रूट टू अपॉन फोर. दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ कॉस 15. अब ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है. We have to remember this value. आपका trigonometry table अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा. So these two values you have to remember. So now I calculated cos 15. देखो जो cos 15 की value है वही sin 15, sin 75 की value हो जाएगी. क्यों? Cos theta is equal to sin 90 minus theta. ये हमने पढ़ा है. तो cos 15 equal to sin 90 minus 15 75 हो गया. यहां तक कितनों को समझ में आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? बोलो भाई कुछ आया? यस सर. चलो ठीक है. ठीक है सर. बोलने का मतलब कि टाइप कर सकते हो. ठीक है, अब आप cos 75 की वैल्यू निकालो. हाउ विल फाइंड cos 75? कैसे निकालेंगे cos 75? हाउ विल फाइंड cos 75? cos 45 plus 30 becomes cos 75. क्या हो जाएगा? cos a cos b minus sin a sin b. Like this I'll get the value of cos 75. If you आप डालोगे तो क्या होगा? रूट थ्री बाय टू रूट टू माइनस वन बाय टू रूट टू. यू विल गेट रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू. अब रेशनलाइज करोगे इनटू रूट टू डिवाइड बाय रूट टू, क्या आ जाएगा आपका? रूट सिक्स माइनस रूट टू बाय फोर. तो आपके ये वैल्यूज आ गई कॉस 75 एंड वैसे cos 75 का क्या हो जाएगा? sin 15. तो दीज वैल्यूज ट्राई टू रिमेंबर. ठीक है, ये को बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो tan 15 कैसे आएगा. tan 15 कुछ नहीं है, tan 15 इज जस्ट आई एम डिवाइडिंग cos 15 बाय sin 15. सॉरी sin 15 बाय cos 15. मैं sin 15 बाय cos 15 करूंगा. sin 15 डिवाइड बाय cos 15. तो आई जस्ट डिवाइड sin 15 upon cos 15. If you see, it will come what? Root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. देखो 2 root 2 cut हो जाएगा दोनों. तो tan 15 और cot 75 एक ही वैल्यू हो जाएगा. Similarly tan 75 क्या हो जाएगा? Sin 75 by cos 75. तो रिवर्स हो जाएगा. Sin 75 by cos 75 क्या हो जाएगा? 2 root 2 cut हो जाएगा. You will get रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन. सो दिस हाउ आई गेट ऑल फोर वैल्यूज. आई टीच दैट मच ओनली कल्पना. सेम चीज है ट्रिग्नोमेट्री. ओके नाउ स्टूडेंट्स,
नाउ दिस थिंग्स आई टॉट नाउ दिस थिंग्स आई टॉट अब देखो cos 2x की तीन आइडेंटिटी है, sin 2x की एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और जिस तरह से मेरा cos a प्लस बी उसी तरह से मेरा sin a प्लस बी है, जिस तरह से मेरा cos a माइनस cos b उसी तरह से मेरा tan a माइनस tan b है। अब हम इन आइडेंटिटीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Today I will try to cover maximum of your identities so that next time we can, tomorrow we can do lot of questions. अब देखो cos a plus b, cos a plus b क्या है? Yeah, मुझे पता है cos a cos b minus sin a sin b. Now what I do, I put a equal to x, b equal to x. तो क्या हो जाएगा cos x plus x is equal to cos square x, cos x equal cos square x हो जाएगा minus sin square x. तो क्या आ जाएगा cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. So this how I got this all identity also. अब देखो इसी आइडेंटिटी को मैं थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा, आई विल जस्ट मैनिपुलेट दिस आइडेंटिटी लिटिल बिट एंड आई विल गेट दिस टू आल्सो। अब ये दोनों कैसे आएंगे? कॉस को साइन के टर्म्स में लिखो तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। सिमिलरली आई डू लिटिल मैनिपुलेशन और मैं क्या करूंगा, साइन को कॉस के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आएगा cos square x minus 1 minus cos square x. So what I will get? I will get 2 cos square x minus 1. तो मुझे ये आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। आई होप आपको आ रहा है समझ में, यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ठीक है, क्या आप sin 2x की वैल्यू निकाल सकते हो? कैन यू प्लीज फाइंड sin 2x वैल्यू? कैसे निकालोगे साइन टू एक्स? देखो साइन ए प्लस बी में ए को एक्स डाल दो, बी को एक्स डाल दो, क्या आएगा आपका? अब देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस cos a sin b, ये क्या है मेरा sin a plus b का फॉर्मूला है। और sin a minus b में क्या करूंगा, what I will do for a minus b, मैं बस माइनस लगा देता हूँ, sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b. अब देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, तो अब देखो a और a plus b लूंगा मैं, sin a plus b लूंगा, a की जगह x डाल दो, b की जगह x डाल दो, क्या हो जाएगा sin 2x is equal to sin x cos x plus plus sin x cos x, दोनों की जगह x x आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 sin x cos x. This how we get this identity. ओके, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, आई एम वेरी गेटिंग, यस सर। सो थैंक यू वेरी मच। यू कैन इवन टाइप वन, क्या होगा आपको बाबा बोलना नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है। चलो ये हो गया मेरा साइन ए प्लस बी, तो मैंने अभी ये सारी आइडेंटिटीज डिस्कवर कर ली। अब आप बोल रहे हो सर ये कॉस से साइन कैसे आया, राइट? ये भी बहुत आसान है। देखो इफ आई वांट टू फाइंड साइन ए प्लस बी, मैं कैसे निकालूंगा, साइन को कॉस के टर्म्स में लिख दूंगा, कॉस पाई बाय टू माइनस ए प्लस बी, कैस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, बस हमें क्या लगा दूंगा इसको कंप्लीट कर दूंगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस
पाई बाय टू माइनस ए माइनस बी। अब मैं कॉस को ओपन करता हूं, ए क्या हो जाएगा मेरा पाई बाय टू माइनस ए और बी मेरा बी रह जाएगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस को ओपन करूंगा कॉस ए कॉस बी कॉस पाई बाय टू माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन पाई बाय टू माइनस ए साइन बी। कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरा कॉस पाई बाय टू माइनस ए हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी। और अगर ए माइनस बी है तो व्हाट नथिंग आई हैव टू डू, आई जस्ट नीड टू चेंज माय साइन, माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये मेरा माइनस हो जाएगा। सो दिस हाउ वी कैन गेट साइन ए प्लस बी ऑल्सो। सो ऐसे करके हम क्या सारी आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। अब क्या है, आपको ये आइडेंटिटीज हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी, ये चार ये वैल्यूज जो भी मैंने आपको पढ़ाई, cos 2x की वैल्यूज ये पढ़ा दी मैंने, sin 2x की वैल्यू पढ़ा दी, ठीक है। अब हम थोड़ा tan पे आते हैं, देखो tan a plus b, tan a minus b, इसके भी फॉर्मूले, cot a plus b, cot a minus b, इसके भी फॉर्मूले, ये भी हमें याद रखने हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। बट इनका डेरिवेशन आने से क्या है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के में ग्रिप बनता है, वी गेट मोर ग्रिप इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब देखो नाउ हाउ दिस फॉर्मूला कम्स, टेन ए प्लस बी, अब देखो टेन क्या है, साइन बाय कॉस, देखो इनके प्रूफ एग्जाम में आ भी सकते नहीं भी आ सकते, वैसे ये देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, प्रूफ कुछ भी हो, एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल्स आर अ क्वेश्चन, इवन इन योर बुक देयर सम मोर थिंग्स आर गिवन एज अ क्वेश्चन। तो आई विल suggest you that you remember all these things, आपको ये proof याद रखने की जरूरत है, अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन आप इनके answers याद रखें। अब देखो tan a plus b क्या होता है, sin a plus b upon cos a plus b, ठीक है। क्या करेंगे, sin a plus b का formula क्या होगा, sin a cos b प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इनको डिवाइड, अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, पूरे को मैं टर्म को किससे डिवाइड कर देता हूं, आई डिवाइड दिस होल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई डिवाइड बाय व्हाट, I divide by cos A cos B, तो क्या हो जाएगा sin A cos B plus cos A sin B divide by cos A cos B, ये मैंने divide किया numerator denominator दोनों को upon cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी, डिवाइड करा इसको फिर कॉस ए कॉस बी से। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अब देखो साइन कॉस, अब अगर मैं स्प्लिट करता हूं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए cos b upon cos a divide by cos b upon cos b minus sin a b upon sin a sin b। अब देखो cos b कटेगा cos a कटेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे tan a plus tan b divide by
अब देखो कॉस ए कॉस बी दोनों कट जाएंगे माइनस ये अच्छे कॉस है सॉरी देखो ये हो जाएगा टेन ए ये हो जाएगा टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी सो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी तो ये आपका टेन ए प्लस टेन बी आ गया तो आप इसको याद रखो बट ये जरूरी है व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस बिकॉज इससे आपका ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा एक्चुअली मैथ्स में जितने डेरिवेशंस आपको आएंगे उतना आपका फाउंडेशन बढ़ेगा ठीक है अब माइनस में क्या करना है माइनस में मुझे कुछ नहीं करना है आई जस्ट नीड टू चेंज साइन अब मैं क्या करूंगा सबका साइन चेंज कर दूंगा टेन ए माइनस बी करूंगा तो ये साइन ए माइनस ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस तो आप देखोगे तो क्या होगा ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा दिस इज वॉट टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी अब देखो इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करूंगा तो मुझे टेन टू एक्स मिल जाएगा अब देखो टेन टू एक्स कैसे निकलेगा जिस तरह से आपने कॉस टू एक्स निकाला और साइन टू एक्स निकाला उसी तरह से आप टेन टू एक्स निकालोगे टेन टू एक्स के लिए आप क्या करोगे ए की जगह x डाल दो बी की जगह x डाल दो क्या जाएगा आपका टेन टू एक्स इज इक्वल टू अब देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन ए की जगह x है राइट टेन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन एक्स क्या जाएगा टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये मेरा टेन टू एक्स आ गया राइट अब देखो कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी अब देखो कॉट कैसे आएगा देखो कॉट को लाने के दो तरीके हैं या तो उल्टा कर दो कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी कर दो या फिर टेन को वन बाय कॉट लिख दो टेन को वन बाय कॉट लिख दो ये देखो अब ये मैं ट्राई करता हूं अब ये देखो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा वन बाय कॉट ए प्लस बी हो जाएगा विच इज इक्वल टू वन बाय कॉट ए प्लस वन बाय कॉट बी अपॉन वन माइनस वन बाय कॉट ए इंटू वन बाय कॉट बी सॉल्व करोगे तो क्या होगा कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए कॉट बी दिस इज इक्वल टू वन बाय cot a प्लस बी अब देखो cot a cot b कट गया ठीक है फाइनली क्या आएगा मेरा वन बाय cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot b प्लस ए बी प्लस cot a अपॉन cot a cot b माइनस वन अब मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ क्या हो जाएगा cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot a cot b माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot a आ गया ये भी याद रखना है अब सोचोगे सर कितना याद करवा दिया एक दिन तो क्लास भी मेरी दो तीन दिन नहीं है बाकी टाइम आप प्रिपेयर करना आपको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल गए आपको मैंने एक शीट मिली होगी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट प्रैक्टिस शीट मैंने ग्रुप में डाला था कितनों को मिल गई वो स्टूडेंट्स आपको मिली क्या मानव को नहीं मिली रितेश को मिल गई अन्वय अकांश कल्पना को नहीं मिली अच्छा नहीं मिली आपको ट्रिग्नोमेट्री की ठीक है मैं आपको आज अच्छा मानव मैंने एक गूगल क्लासरूम का लिंक भेजा था नहीं मिला आपको टेलीग्राम में तो ठीक है मैं आप सबको दे दूंगा मुझे लगा आप सबको मिल गया होगा क्योंकि अब आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो टॉपिक से अब मुझे एक बार रिमाइंड करवा दिया करो टेलीग्राम में इफ यू एनी टाइम यू नीड्स ना तो फिर आप मुझे रिमाइंड करवा दिया करो आई विल गिव यू ठीक है ना तो ठीक है सो लेट्स
कंटिन्यू. अब देखो वैसे cot a माइनस भी हो जाएगा, cot a माइनस भी के लिए साइन चेंज करो, सब माइनस को माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ऐसे साइन रिवर्स करो तो क्या हो जाएगा, cot a माइनस भी हो जाएगा, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a. दिस इज योर माइनस आइडेंटिटी. तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, cot 2x मिल जाएगा. cot 2x कैसे आएगा मेरा, हाउ आई विल गेट cot 2x, cot 2x के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, cot 2x के लिए मुझे बस अपना a और b दोनों को x डाल देना है, a और b दोनों को x डाल देना है. तो कैसे आ जाएगा देखो, cot x plus x is equal to cot x minus 1 upon cot x plus cot x. तो क्या हो जाएगा, cot square x minus 1 upon 2 cot x. ये आ गया. तो देखो आपको क्या याद रखना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, फिर कॉस टू एक्स की 3, साइन 2x का 1, टेन 2x का 1, कॉट 2x का 1, और इसी से मेरा a प्लस बी से मेरे ये 3 4 आ गए, कॉस 15 कॉस 75 टेन 15 टेन 75. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, then find value of tan a plus tan b plus tan a tan b. Option a 0, option b 1, option c 2, option d 3. अच्छा, आपने क्या ये आइडेंटिटी देख के कर दिया, क्या करेंगे कैसे इसको, देखो कुछ नहीं लगाना. देखो आपको टेन के टर्म्स में ये, आपको सब टेन के टर्म्स में, तो आप क्या करो, आप टेन की आइडेंटिटी लगा दो. यू पुट आइडेंटिटी ऑफ टेन, क्या करोगे, टेन ए प्लस बी आइडेंटिटी लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, कैसे देखो, tan a plus b is equal to tan pi by 4. क्यों मैंने लगाया, क्योंकि मेरा आंसर tan के टर्म्स में, tan कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, tan a plus b क्या हो जाएगा, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b equal to 1. अब देखो क्या करूंगा, tan a plus tan b equal to 1 minus tan a tan b. ये देखो मेरे pi by 4 की वैल्यू 1 डाली, क्योंकि 45 पे 1 होता है. इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan a plus tan b plus tan a tan b equal to 1. तो क्या आ जाएगा मेरा, tan a plus tan b plus tan a tan b equal to 1. तो आप एक चीज याद रखना, जब भी a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होता है, जब भी a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तो ये आइडेंटिटी अब ये याद रख सकते हो, a प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल टू 1. अब देखो इसी कोई क्वेश्चन को अगर हम एक्सटेंड कर दें, देखो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 plus tan a into 1 plus tan b. What will you value? आपको लग रहा होगा आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बट आई विल कवर मोर ना, तो आप पेपर अपनी असाइनमेंट शीट सॉल्व कर पाओगे. ओके, कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है?
How many are able to understand? कल्पना को आ रहा है, आकांक्षा को आ रहा है. यस मानव, क्या डाउट है? सर वो इसी वाले क्वेश्चन में, सर वो tan a plus tan b plus tan a tan b वाले में क्या डाउट है पूछो. ये उस वाले क्वेश्चन, सर tan a plus tan b वाले में सर. ये वाला ना, why tan a plus tan b plus tan a tan b one कैसे हुआ, right? Yes sir. कुछ नहीं किया मैंने, a plus b identity लगा दिए. tan a plus, देखो ऑप्शन में मुझे किस में दिया है, ऑप्शन मुझे tan के टर्म्स में, राइट? ऑप्शन मेरे tan के टर्म्स में, राइट? मेरे को क्या दिया क्वेश्चन में, tan a plus tan b tan a tan b ऐसे दिया है मुझे, राइट? क्या था? तो मैं क्या करूंगा, आई नो दैट मेरे को tan के टर्म्स में चाहिए सर. अभी तक अभी मुझे tan के टर्म्स में कुछ नहीं दिया है. आपको दिया tan a plus tan b plus tan a tan b. तो आप देखो क्वेश्चन, इफ यू सी यू नीड थिंग्स इन टर्म्स ऑफ tan. मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूंगा, a plus b पे लेफ्ट राइट राइट साइड दोनों साइड tan कर दूंगा. ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे को tan के टर्म्स में चीजें मिल जाए, इसलिए मैंने लेफ्ट और राइट दोनों में tan कर दिया. अब tan pi by 4 1 हो गया और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया. एक्सपेंड किया तो tan a plus tan pi by 4 सर मतलब 45. ओके सर, 45 1 हुआ ना? यस सर. तो फिर देखो tan a plus tan b 1 minus tan a tan b. इसको लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो क्या होगा, tan a plus tan b plus tan a tan b equal to 1. तो मेरा आंसर आ गया बी ऑप्शन. और ये आप रिमेम्बर भी कर सकते हो, अगर a plus b 45 डिग्री है तो tan a plus tan b plus tan a tan b equal to 1 होता है. ठीक है, आया समझ में? मानव yes, आ गया. ठीक है, yes, अब यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा था. If a plus b is pi by 4, find the value of 1 plus tan a into 1 plus tan b. वो तो है ही, ऑप्शन ये दिया हुआ है. कैसे? देखो ये यहां तक आपको समझ में आ गया था, ये आपको समझ में आया कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में यहां तक किया था हमने. अब देखो पाई बाय फोर है, मैंने वन लगाया, दोनों साइड टेन किया तो ये वन हो जाएगा. ये टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, ये राइट साइड गया, ये ऐसा हो गया. अब मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट राइट और राइट साइड एड वन ऑन बोथ साइड. वन ऑन बोथ साइड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बाय दिस आई विल गेट कॉमन. देखो वन प्लस टेन ए, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. वन प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू टू. तो वन प्लस टेन ए एक फैक्टर हो जाएगा. अब मैं इसे tan b कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस tan a हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a अलग हो गया, 1 प्लस tan b अलग हो गया. 1 प्लस tan a फैक्टराइजेशन इनटू 1 प्लस tan b इक्वल टू. ठीक है, कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? रितेश को आया? मानव आया आपको? कुछ बोलो भाई,
ट्रिग्नो के बाद, ट्रिग्नो के बाद तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद तो आप नॉर्मल क्लास में पढ़ ही रहे हो, कुछ नीड रहेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है। अब देखो हमने ये सब आइडेंटिटीज पढ़ ली, अब हम कुछ इस पे आते हैं, ये आज की लास्ट आइडेंटिटी, देन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। अब देखो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos 2x, ओके, इफ यू गेट प्रूफ दैट 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x, हाउ यू विल प्रूव इट? How you will prove it? देखो कुछ नहीं करना है, if you carefully see this, कुछ नहीं क्या है, देखो वन, इसको मैं बस लेफ्ट साइड ले गया हूं, वन प्लस ये लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, वन प्लस cos 2x इक्वल टू, मेरी आइडेंटिटी क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, राइट, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब देखो मुझे इसका फायदा क्या है, मुझे इसका फायदा क्या है, see I can find value of cos 22.5। अब बोलोगे सर 22.5 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अब देखो अगर cos 1 plus cos 2x है मेरा 2 cos square x by 2, तो 1 plus cos 45 क्या हो जाएगा, 2 cos square 22.5 होगा कि नहीं? How many of you agree with this? How many of you agree? कितनों को आ रहा है समझ में? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x डाल रहा हूं, यस यस यस, देखो 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, मतलब क्या, ये मेरा 2x है तो ये x हो जाएगा, राइट right? देखो ध्यान से, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos square x, तो 1 प्लस cos square 45, अगर 2x मेरा 45 है, देखो 2x मेरा 45 है, तो x क्या होगा, 22.5 होगा कि नहीं? आया अनवय समझ में? तो देखो अब कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, 1 प्लस cos 45 हो जाएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 22.5, इससे क्या मिलेगा मुझे आंसर, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 22.5। अब मैं cos स्क्वायर cos 22.5 निकालने के लिए क्या करूंगा, पूरे का अंडर रूट कर दूंगा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको फर्स्ट दफा टफ पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटीज बहुत फास्ट लगती है, आपको लगता है इतनी सारी आइडेंटिटीज, बट यही आइडेंटिटीज एक बार होगी तो अगले फिर आपको यही आइडेंटिटी हर जगह लगानी है, फिर आपका कमांड हो जाएगा इसमें, राइट? ये कितनों को समझ में आई है, आकांक्षा, मानव, रितेश, साक्षी, करमजोत, आ रहा है आप सबको? अन्वयी को आ गया, आकांक्षा को आ रहा है, ये साक्षी को आ रहा है,
माना कुछ बोल ही नहीं रहा, शांत हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 कैन वी टेक 90? अब 90 से 22.5 कैसे लाओगे? सर हम लाइक तो आपने मतलब अपनी मर्जी से लिया एंगल या फिर 45 या फिर मतलब आपने ऐसे ले लिया एग्जांपल? एग्जांपल के लिए लिया है, लेकिन 22.5 की वैल्यू निकाल, जैसे देखो जैसे हमने 75 की वैल्यू निकाली, 15 की निकाली, वैसे हम 22.5 की कैसे निकाल? एक स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का सर, कॉस 22.5 लाइक अगर हम के भी 45 और 90 दोनों की वैल्यू पता है कॉस में, तो 90 और 45 से आप कैसे 22.5 निकालोगे? तो सर आइडेंटिटी से 22.5 निकालने के, हां 22.5 मैं बता रहा हूं ना, देखो इससे हो क्या रहा है, इफ यू केयरफुली सी, देखो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, इससे मुझे हो क्या रहा है, इससे मैं जो भी इधर डाल रहा हूं उसका हाफ यहां मिल रहा है। अगर देखो यहां पे मैं डालता हूं 45 तो मुझे यहां पे 22.5 मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 90 डालते हैं तो आपको यहाँ पे 45 मिलेगा, वो इसको बोलते हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी, समझ रहे हो आप? सर तो हम लोग कोई भी एंगल ले तो मतलब अगर इजी पड़ेगा तो 90 और 45 से मतलब वो सॉल्व हो सकता है। देखो 90 और 45 से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस आइडेंटिटी को, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5 देन आप कैसे करोगे? मतलब वो एंगल स्पेसिफिक करेंगे तो ही हमें वो उस हिसाब से लेना है। हाँ, यस यस। तो देखो अगर आपको पूछा है cos 75 तो आप देखो एक इस तरीके से निकाल सकते हो, cos 15 cos 45 plus 30, राइट? और एक और तरीका है क्या, 1 plus cos 150 is equal to 2 cos square 75. आ रहा है समझ में? अब तो cos 150 की वैल्यू पता है आपको, cos 150 की आपको वैल्यू पता है, तो अगर cos 150 की वैल्यू पता है तो क्या होगा, 1 plus cos 150 क्या होता है, -√3/2 equal to 2 cos square 75. आप इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, पर ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहेगा। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, हाफ एंगल प्रॉपर्टी, मतलब हाफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आप वैल्यू यहाँ डालोगे 1 plus cos 2x equal to 2 cos 2x, जो आप वैल्यू यहाँ डालोगे उसका हाफ यहाँ आता है। अगर देखो अगर आप ऐसे डालते हो, अगर आप ऐसे डालते हो 1 plus cos x, तो आपको क्या मिलेगा, 2 cos square x/2। अब देखो 2x का x हो रहा है तो x का x by 2 हो जाएगा, अगर मैं डालता हूं 1 plus cos x/2 तो मुझे क्या मिलेगा, 2 cos square x/4। आया समझ में मानव? ठीक है, ट्रिक्स आर Just remember them. देखो trigonometry क्यों मैं आपका revision ले रहा हूँ, देखो trigonometry सबसे vast चीज़ है and trigonometry is the most important thing जो आपको 11th 12th दोनों में काम आएगा, बल्कि पूरा maths trigonometry की foundation पे। आपको आज first day, आज मैंने बहुत सारी identities cover करवाई है, लेकिन कल से फिर आपको कोई tension नहीं होगी क्योंकि इससे ज़्यादा identities है नहीं, मतलब कि इसके ज्यादा कुछ लिमिटेड आइडेंटिटीज है, वो मैं इस हफ्ते नहीं पढ़ाने वाला, कल सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा इन आइडेंटिटीज पे, तो आपको बैठ जाएगा दिमाग में। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हो अपने मोबाइल में, पढ़ याद कर लेना इनको, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं भी डाल दूंगा आपके लिए ग्रुप में इफ यू नीड। देखो 1 minus cos, हाँ वैसे मैथ्स टेक्स्ट बुक में भी है,
यू हैव इन मैथ्स टेक्स्ट बुक, बस ये सब नहीं होगा, ये आप निकाल सकते हो। देखो तो स्टूडेंट्स प्री एम्बिशन वाले हैं, उनको ये सब याद रखने की जरूरत है, ये निकालना आना चाहिए, वैल्यूज याद नहीं होनी चाहिए, ये निकालना आना चाहिए, वैल्यूज याद नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम वाले बच्चों को याद होनी चाहिए क्योंकि आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको ज्यादा एडवांस के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज की लास्ट आइडेंटिटी, आज की लास्ट आइडेंटिटी sec x plus, sorry, 1 minus cos 2x। अब देखो ये इस आइडेंटिटी से आ जाएगा। देखो cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x, तो क्या हो जाएगा 2 sin square x equal to 1 minus cos 2x। तो 1 minus cos 2x क्या हो जाएगा 2 sin square x हो जाएगा। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई। तो अगर आप बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से देखोगे तो सारी आइडेंटिटी रिलेटेड है बहुत। ये तो आइडेंटिटी एक ही समान है, ये तीन भी उससे रिलेटेड है, इसी से इन दो से फिर ये दो आइडेंटिटी सारी है। tan याद रखोगे a प्लस बी तो a माइनस बी हो जाएगा, या cot a प्लस बी लिखोगे तो a माइनस बी हो जाएगा। अब इससे मेरी ये आइडेंटिटी आ रही है, बस a प्लस बी की जगह x डाल दो, वैसे इससे मेरी ये आइडेंटिटी आ रही है। ये आपको याद नहीं भी हो रहा है इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोसीजर आना चाहिए। कैसे? ये हो जाएगा 30 प्लस 45, ये हो जाएगा 45 माइनस 30, बस इतना याद होना चाहिए। और tan क्या हो जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके। ये नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको याद रखना है tan a प्लस बी से सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, आया समझ में अनवी? ठीक है, अब ओके। सो आज हैवी क्लास थी, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे बेचारे झेल नहीं पाए, केमिस्ट्री के बाद थक गए होंगे तो फिर उनको हो रहा होगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे कैन हियर रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो आप में से किसी को कोई डाउट है अभी तक? यस अनवी, क्या डाउट है? हाँ 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 ठीक है ठीक। तो आई ऑफिशियली एंड क्लास, आज 50 मिनट्स में काफी ज्यादा हो गया। देखो कल क्या करेंगे, कल इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ आई विल सेंड रिकॉर्डिंग, मैं आज की और पुरानी सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा एक फ्लो में ट्रिग्नोमेट्री की, तो बाकी बच्चे भी जो कनेक्ट करना चाहें दे कैन कनेक्ट। बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू दिस आइडेंटिटीज, ये याद करना कल इजी पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बस आपके पास पांच छह, आपकी 8 to 10 आइडेंटिटीज हो रहे हैं, वो होएगा तो आपका कवर हो जाएगा। आपको मैं आंसर वो प्रैक्टिस शीट भेज देता हूँ, मुझे कोई ना टेलीग्राम में याद दिला देना बस, ठीक है ना। ओके यस एनवी, आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग।